हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बे। इजी बे में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी 67 का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री जनवरी 23 जनवरी को, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, वो आपका रहता है बिहार स्पेशल। तो उस टॉपिक के लिए कौन से बुक से कवर करें, कहाँ से पढ़ें, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मार्केट में देखिए बहुत सारे बुक हैं, तो आप किसी को भी बुक परचेज कर सकते हैं, सभी बुक सही रहते हैं। लेकिन कुछ में से एक पर्टिकुलरली कोई एक बुक को आपके सामने हम लेकर के आए हैं, जो कि उसका हम लोग देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक केवीसी नैनो का बुक है, बिहार समग्र करके, 5th एडिशन ये है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि किस बुक में किस तरह से दिया हुआ है, लैंग्वेज कैसा यूज किया हुआ है ना, उसका अरेंजमेंट कैसा है, कितना डिटेल दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है या एक कहानी की तरह कहा गया है, वो सारा कुछ देखने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को अगर जो आप खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा। कंटेंट में आपका पहला फर्स्ट आपका है बिहार ऑफ एंशियंट, बिहार के बारे में बताया हुआ है। फिर आपका मेडिवल बिहार बताया हुआ है। फिर यह पेज आप एंशियंट बिहार आपका 1 से 132 तक चलेगा, उसके बाद फिर आपका 33 से वो स्टार्ट हो जाता है मेडिवल। फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपका चलता है बिहार का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार चलता है। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार स्टार्ट होता है ना। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार भी इसमें दिया हुआ है आपका, देखिए ज्योग्राफी ऑफ बिहार आपका दिया हुआ है। उसके आगे अगर जो बढ़ेंगे तो बिहार का इकोनॉमी भी दिया हुआ है, इकोनॉमी ऑफ बिहार दिया हुआ है। फिर यहाँ से आपका बिहार सेंसेशन 2011 ये भी आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 232 से 240 यानी कि 8 पेज में दिया है लगभग। प्रॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन बिहार ये भी आपका दिया हुआ है। इम्पॉर्टेंट टूरिज्म इन बिहार ये भी एक टॉपिक है आपका। डिफरेंट वेलफेयर स्कीम बिहार स्पेशल MCQ यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ पेजेज में। बिहार बजट 2021 और 2022 का जो है वो भी आपका लगभग 1-2 पेज में देने की कोशिश किया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ये भी इसमें दिया हुआ है। अब बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स ये भी इसमें दिया हुआ है। ये सारा इसका कंटेंट रहा कि ये सारा कुछ आपको इस बुक में मिलेगा। अब ये किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड करता है, क्या इसका लगता है, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो बिहार एट ए ग्लैंड, इसमें आपको बिहार का नक्शा मिल जाएगा सबसे पहले, है ना। इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट आपको दिया हुआ है, इधर आपको उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इधर आपका झारखंड है, इधर नेपाल, इधर आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर यहाँ से हिस्ट्री ऑफ बिहार आ जाएगा कि बिहार कैसे, ज्योग्राफी ऑफ बिहार कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड है ना, कितने टोटल एरिया है, रूरल एरिया का स्क्वायर मीटर कितना है, शेप कैसा है, तो रेक्टेंगुलर शेप है बिहार का। फिर आगे बढ़िएगा तो पॉलिटी है, कितने बिहार परिषद हैं, कितने रिजर्व सीट फॉर SC यानी कि लोकसभा के लिए कौन कौन सा सीट रिजर्व है, उसमें आपका गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, जम्मू, ये सारा कुछ 6 सीट टोटल हैं। कौन कौन से बर्ड हैं, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, पीपल में, ये सारा कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। पर यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है फर्स्ट इन बिहार। फिर रिचेस्ट इंस्टीट्यूशन इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ डायग्राम या ग्राफिक्स तो नहीं देखेंगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। और मैक्सिमम इसमें कोशिश किया गया है कि आपको पॉइंट वाइज दिया हो, है ना। तो अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज पढ़ने में अच्छा लगता है, जिन स्टूडेंट को भी पॉइंट वाइज पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, तो उसके लिए बुक बेस्ट है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ बेल नोन, ये सारा हर एक चीज़ क्या देगा, पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना, कि किसी चीज़ को पैराग्राफ में ना देकर के किस में दिया है, पॉइंट वाइज दिया, जितने भी कॉन्सेप्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पे देखिए राइवर ऑफ आर्यन इन बिहार, ये सारा भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि इतना BC से इतना BC तक हुआ है, सारा कुछ इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़े जाएँ और आगे बढ़ने के बाद अगर जो हम इकोनॉमी ऑफ बिहार या सर्वे ऑफ बिहार के बारे में बताएं आपको, तो उसके बारे में देखिए कैसा दिया हुआ है। 2 मिनट लगेंगे। ये तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन बिहार, ये सारा कुछ दिया हुआ है। टूरिज्म इन बिहार, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, देखिए ये कॉलेज एंड सर्वे 2021, ये सारा कुछ दिया हुआ है। कोविड ऐप, कोविड के बारे में दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। राजगीर जू सफारी, ये बिहार स्पेशल का टॉपिक है, इसमें ये दिया गया है कि कंपेरिजन डाटा ऑफ 16-17 बिहार विधानसभा इलेक्शन, किसमें कितनी सीट आई थी, किसकी कितनी वोट आई थी, ये सारा कुछ दिया हुआ है बिहार स्पेशल, बिहार करेंट अफेयर्स। और ये यहाँ पर हुआ बिहार इकोनॉमी सर्वे, देखिए यहाँ से दिया हुआ है 2020 और 2021 का, ये सारा कुछ दिया हुआ है, इतना करोड़ ये दिया हुआ है। अभी सेकेंड सेक्टर है जो, ये सारा कुछ दिया हुआ है पॉइंट वाइज के फॉर्म में दिया हुआ है आपको।
टोटल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाज इतना करोड़ एंड इतना करोड़, ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। एक बात और, ये इंग्लिश मीडियम है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसका हिंदी लैंग्वेज भी आती है, तो दोनों लैंग्वेज में ही आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो जो बच्चे जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं वो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो ये सारा कुछ रहा बिहार स्पेशल के बाद, ये यहाँ पे देखिए आपका एमसीक्यू बन जाता है, बिहार स्पेशल एमसीक्यू। और काफ़ी कितने एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो 213 हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, 270 और लगभग 300 क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार एमसीक्यू का, है ना, बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल से 300 एमसीक्यू दिया है, बहुत सही है। कहीं कोई हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट बिहार का कौन गवर्नर है, ये सारा कुछ दिया हुआ बिहार स्पेशल में। और वेरियस फैक्ट अबाउट बिहार, कुछ बिहार के फैक्ट के बारे में बताया हुआ है, यानी कि कंप्लीट बुक ये आपका है, कुछ भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं गया है, पूरा कंप्लीट बिहार स्पेशल के लिए पूरा कंप्लीट ये बुक है। हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, कुछ भी टॉपिक इसमें लेफ्ट नहीं की गई है, बहुत ही अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इससे भी बेटर बुक मार्केट में हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये अच्छी लगी है। तो जो बच्चों को अगर पॉइंट वाइज पढ़ने का एक्सपीरियंस है, जिनको पॉइंट वाइज पढ़ना पसंद आता है इन कंपेरिजन ऑफ पैराग्राफ, ये बुक वो बच्चे ये बुक परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट MRP 280 रुपया है, डिस्काउंट आपको 30-40% बुक शॉप में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगभग 150-200 में बुक ये आपका पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू सो मच।